राजस्थान के सीकर का, जहां एक तेंदुए ने बीच बाजार जमकर दहशत मचाई। बड़ी दोपहरी में मेन बाजार में तेंदुआ घुस पहुंचा, क्या था फिर उसके बाद, जहां जहां वो पहुंचा वहां वहां सब लोग छुपते हुए नजर आए। आखिरकार 8 घंटे की मशक्कत के बाद ही जंगली जानवर पर काबू पाया गया। देखिए ऑपरेशन तेंदुआ। राजस्थान के सीकर से आई इन तस्वीरों को देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आपके सामने खूंखार जंगली जानवर अचानक से प्रकट हो जाएगा। सीकर के अजीतगढ़ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब मुख्य बाजार के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा तेंदुआ पहुंच गया। अजीतगढ़ के बाजार में करीब 100 मीटर तक दौड़ते हुए तेंदुए को देखकर वहां मौजूद हर शख्स के हाथ पांव फूल गए। कोई इधर भागा तो कोई उधर भागा, बस किसी तरह से इस जंगली जानवर से जान बच जाए। दरअसल अजीतगढ़ कस्बे के आबादी वाले इलाकों में रात के समय ही इस लेपर्ड के घुसने की खबर मिली थी। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे तेंदुए ने बाजार से होते हुए पंचायत भवन में घुसने की कोशिश की, लेकिन दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी और लाठियां लेकर तेंदुए को भगाने के लिए पीछे दौड़ने लगे। भीड़ के हो हल्ले की वजह से तेंदुआ गौशाला के सामने पीपली के पेड़ पर चढ़ गया। सूचना पर सीकर डीएफओ और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन लेपर्ड। गौशाला के सामने पीपल के पेड़ में बैठे तेंदुए ने यहां 2 लोगों को पंजा मारकर जख्मी भी कर दिया। शहर में तेंदुए की घुसपैठ की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग गौशाला के पास जमा हो गए, लेकिन वन विभाग की टीम को आने में 3.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इस बीच तेंदुआ पेड़ पर बैठा रहा और आसपास सैकड़ों तमाशबीनों की भीड़। आखिरकार वहां जयपुर से वन विभाग की स्पेशल टीम पहुंची। ट्रैंक्विलाइजर टीम ने आते ही मोर्चा संभाला। हालांकि लोग अभी भी दहशत में थे कि पेड़ से नीचे उतरकर ये खूंखार जानवर कहीं उन पर हमला ना बोल दे, क्योंकि अब तक ये तेंदुआ 2 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। शाम 5 बजे पेड़ पर चढ़े तेंदुए को वन विभाग की टीम क्रेन की मदद से ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन लगाने में कामयाब रही। मौके पर ग्रामीणों की मदद से जाल में फंसाकर उसे पिंजरे में कैद किया गया। इसके बाद वन विभाग की टीम उसे सीकर लेकर रवाना हो गई। लोगों को राहत तो जरूर मिल गई, लेकिन मन में अभी भी खौफ है कि कहीं दूसरा खतरनाक जानवर उनके शहर में आकर दहशत ना फैलाए। सीकर से राकेश गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो।